हेलो स्टूडेंट, आई एम अद्भुत प्रकाश द्विवेदी। बच्चों की जैसा कि आपने फंक्शन और लिमिट में खूब इंजॉय किया होगा कि ट्रिक के थ्रू हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे ही कैलकुलस में अब नेक्स्ट चैप्टर एक होता है अपने पास, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसबिलिटी। कंटिन्यूटी को हिंदी में हम लोग सततता बोलते हैं और डिफरेंसबिलिटी को हिंदी में अपकिर्णीयता बोलते हैं। तो कंटिन्यूटी डिफरेंसबिलिटी के लिए भी आपको सबसे पहले लिमिट के वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, उन वीडियोज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिमिट का वीडियो 1 और लिमिट का वीडियो 2 आप देखें। उस वीडियो को देखने बाद आप लिमिट के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तो वो कॉन्सेप्ट जो अपने पास कंटिन्यूटी में यूज होंगे तो आपको उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कंटिन्यूटी का बेसिक अप्रोच क्या होता है, तो उसको हम लोग बहुत ही जल्दी एक दो मिनट में ख़त्म करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे फाइनली वो हम लोग समझते हैं। तो बच्चों, एक चीज़ हम आपसे फिर से कहेंगे कि जो चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट लगा करें आप उसको रजिस्टर में अपने हिसाब से नोट करते रहा करें, क्योंकि चीज़ को समझना और अप्लाई करना दोनों आपको ही है। हम आपको चीज़ें समझा सकते हैं, फाइनली आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी। और वीडियो को जब आप शुरू से आखिरी तक देखें, उस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें। अगर आपको फर्दर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन भी किसी बुक से आप क्वेश्चन लगाते हैं, वो क्वेश्चन आपका नहीं लगता है, डाउट आता है क्वेश्चन का, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम या अदर कोई टीचर आपको उस क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर देगा। तो इस टाइप से आपकी ऑनलाइन पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। तो बच्चों, बात करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी को जैसा हमने बोला है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं सततता। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ऑफ एफ एक्स इक्वल अगर एफ ए आ जाता है। इसका मतलब है, ये बच्चों होती है लिमिट और ये आपके पास होती है वैल्यू। यानी कि अगर लिमिट इक्वल वैल्यू हो गई, देन फंक्शन वाई बराबर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। यानी कि फंक्शन के कंटिन्यूअस, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि उस फंक्शन की लिमिट भी एडजस्ट होनी चाहिए उसी पॉइंट पर, वो लिमिट बराबर किसके होनी चाहिए, वैल्यू। अच्छा बच्चों, लिमिट के लिए अपने पास एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, एक राइट हैंड लिमिट होती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल अगर वैल्यू का सीन बन जाए तो वो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस। तो ये तो होती है अपने पास कंटिन्यूटी की बेसिक अप्रोच। यानी कि आप एक पॉइंट ध्यान रखें, अगर फंक्शन की लिमिट एडजस्ट कर रही है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। कंटिन्यूअस तब होगी जब उसकी लिमिट किसके बराबर हो जाएगी, वैल्यू की। बट अगर फंक्शन की लिमिट ही एडजस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो बच्चों, कंटिन्यूटी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल लेते हैं, उससे डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना डिफरेंसबिलिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सिंपल सा क्वेश्चन है। फंक्शन आपको दिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन 5x डिवाइडेड बाई 3x। ये बच्चों तब दिया है जब x डज नॉट इक्वल 0 है, और यहां पर आपको k दिया है, ये बच्चों तब दिया है जब x इक्वल टू 0 है। और कंटिन्यूअस किस पॉइंट पर बोला गया, x इक्वल 0 पर। और आप वैसे भी देख सकते हैं फंक्शन जो ब्रेक हुआ है वो कहां पर ब्रेक हुआ है, 0 पर। अब बच्चों एक चीज पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जहां पर डज नॉट इक्वल 0 लगा है, या डज नॉट इक्वल 8, डज नॉट इक्वल 3, कुछ भी, इसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से कुछ ज्यादा होगी या 0 से कुछ कम होगी, और भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो लिमिट हमेशा आप उस वाले फंक्शन के कंडीशन से निकालेंगे जहां पर लिखा होगा डज नॉट इक्वल 0। यानी कि यहां से आपको जो फाइंड होगी वो क्या फाइंड होगी, लिमिट। और यहां से जो फाइंड होगी वो बच्चों क्या फाइंड होगी, वैल्यू। तो बात है जब इस फंक्शन की लिमिट, और बच्चों ये भी ध्यान रखें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जब रिलेशन आपको डज नॉट इक्वल में दियो तो आपको लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट उसी से लिमिट फाइंड करें। जब आपको लेस देन ग्रेटर देन, जो फर्दर एग्जांपल में आएगा, लेस देन ग्रेटर देन का दिया तो आपको लेफ्ट लिमिट भी बतानी होती और राइट लिमिट भी बतानी होती। तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट करेंगे कि लिमिट
एक्स टेंडिंग टू पॉइंट क्या है जीरो और फंक्शन लेंगे एफ एक्स। अब हमने वही बताया आपको कि जब लिमिट की बात है तो वैल्यू आप रिलेशन वो लोगे जिसमें डज नॉट निकल, और डज नॉट इक्वल जीरो आने में फंक्शन क्या दिया है दिस। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन फाइव एक्स अपान थ्री एक्स, तो आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी पता होगा फाइव बाई थ्री, जिनको ना पता हो तो जीरो बाई जीरो आप एन हॉस्पिटल लगाएं। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा फाइव कॉस फाइव एक्स डिवाइडेड बाई थ्री। जब आप x टेंडिंग टू जीरो अप्लाई करेंगे बच्चों तो ये अपने पास आएगा 5 और cos 0 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 3। तो इस टाइप से अपने पास जो लिमिट निकल कर आई वो वैल्यू कितनी आई बच्चों 3। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन फाइंड द वैल्यू आपके। अच्छा बच्चों वैल्यू अपने पास f0 कितनी है, ये वैल्यू है, ये अपने पास है k। क्वेश्चन में बोला है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सतत है, तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वैल्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों लिमिट, यानी कि k इक्वल 5 बाई 3। तो इस टाइप से जो ऑप्शन सही होगा वो बच्चों कौन सा सही होगा 5 बाई 3 यानी कि डी ऑप्शन। अब हम लोग आप इसका इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या है थोड़ा आप ध्यान से यहां देखें, एफ एक्स इक्वल आपको दिया हुआ है 3x प्लस 4 10x डिवाइडेड बाय x, और ये k दिया है। ये बच्चों तब दिया है जब x डज नॉट इक्वल जीरो, ये बच्चों तब दिया है जब x इक्वल टू जीरो। तो एक चीज आप समझ रहे होंगे लिमिट किससे फाइंड करेंगे फर्स्ट या सेकेंड, तो आप कहेंगे फर्स्ट, क्यों, क्योंकि अपने को यहां पर क्या दिया है डज नॉट इक्वल जीरो, और वैल्यू किससे फाइंड करेंगे इससे, तो ये अपने के पास वैल्यू। अब लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ऑफ एफ एक्स, तो हमने वही बोला लिमिट आप फर्स्ट वाले से फाइंड करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो यहां पर बच्चों आ जाएगा 3x प्लस 4 10x डिवाइडेड बाई एक्स। आप अलग अलग भी सिंपल डिवाइड करके भी फाइंड कर सकते हैं, बट हम हमेशा एन हॉस्पिटल प्रेफर करते हैं, तो एन हॉस्पिटल के 3 3 4 sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1। जब आप जीरो अप्लाई करेंगे sec स्क्वायर जीरो की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1, तो 3 प्लस 4 7। तो इस टाइप से लिमिट अपने पास आई 7, और वैल्यू बच्चों जो निकल कर आएगी वो आपको दी हुई है कितनी k, जो f0 होगा, और फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लिमिट इक्वल वैल्यू, लिमिट है आपके पास 7, वैल्यू है k, तो आंसर k की जो वैल्यू बनेगी वो बच्चों कितनी बनेगी c ऑप्शन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नो क्वेश्चन आपके पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, x साइन 1 डिवाइडेड बाई एक्स, ये यहां पूरे लिखा हुआ है, ये बच्चों लिखा है x डज नॉट इक्वल 0, और यहां पर लिखा है 0 व्हेन x इक्वल टू 0। अब बच्चों हम ऑप्शन रीड करते हैं, पहले में दिया fx इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल 0, जबकि आप देखें fx x इक्वल 0 पर डिफाइंड है, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। दूसरे में दिया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स डज नॉट एडजस्ट, तो बच्चों यहाँ एडजस्ट कर रही है, और कितनी आएगी वो हम निकाल देते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स साइन 1 अपान x, क्योंकि लिमिट हम किससे निकालते हैं जहाँ दिया होता है डज नॉट इक्वल जीरो, तो ये बच्चों जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन 1 डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई 1 बाई x। अब बच्चों देखें जब आप 0 अप्लाई करेंगे तो यहां बनेगा साइन 1 डिवाइडेड बाई 0 कितना होता है इन्फिनिटी, डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी मीन्स वैल्यू कितनी आएगी 0, क्योंकि साइन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। तो लिमिट एडजस्ट कर रही है और बच्चों कितनी आ रही 0, यानी कि बी ऑप्शन भी अपने पास गलत है। सी ऑप्शन में बोला है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल जीरो, तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट, बिकॉज व्हेन वी फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन मींस एफ जीरो देन एफ जीरो की वैल्यू बच्चों आपको कितनी दी हुई थी 0, तो आप देखें लिमिट और वैल्यू दोनों क्या है इक्वल है कि नहीं है, तो यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा।
नेक्स्ट में दिया था डिसकंटिन्यूअस, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, लिमिट वैल्यू के बराबर फंक्शन कंटिन्यूअस, ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन ऐसा है आपके पास कि द वैल्यू ऑफ बी, आपको बी की वैल्यू बतानी, फॉर विच फंक्शन आपको डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन आर इक्वल 1 इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। और दूसरी ब्रांच में आपको ये डिफाइंड है, यानी कि उसने बोला फंक्शन अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस। अच्छा आप देखें तो फंक्शन जो डिफाइंड है वो कहां से कहां तक डिफाइंड है, 0 से 2 तक। ये तो है फंक्शन का डोमेन, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड जो हुआ है वो इतने पार्ट में ही हुआ है। और ब्रेक जो हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, यहां पर। किस पॉइंट पर बच्चों, 1 पर। तो सबसे पहले जो भी आपको काम करना है वो किस पॉइंट पर करेंगे, 1 को, और किसी भी पॉइंट पर नीड नहीं है, क्योंकि टर्मिनल पॉइंट के लिए आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। देन सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 से कुछ कम, और फंक्शन लिखेंगे एफ एक्स। अच्छा बच्चों देखें, 1 से कुछ कम, इस ऑप्शन में दिया था x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन आर इक्वल 1, और इस पार्ट में दिया था x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन, मतलब x 1 से बड़ा और 2 से छोटा। इसमें x 1 से छोटा रहेगा, अपने को चाहिए भी क्या 1 से छोटा, यानी कि ब्रांच जो हम पिक करेंगे वो कौन सी पिक करेंगे, फर्स्ट ब्रांच। और फर्स्ट ब्रांच में आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 से कुछ कम 5x माइनस 4, आप जब 1 रखेंगे तो 5 इंटू 1 माइनस 4 की वैल्यू निकल कर आएगी 1। अब जब हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 से कुछ ज्यादा, फंक्शन लिखेंगे एफ एक्स। तो बच्चों देखें, 1 से कुछ ज्यादा किसमें आप जाओगे, सेकेंड ब्रांच। सेकेंड ब्रांच आपको दी गई है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 से कुछ ज्यादा, यानी कि आप लिखोगे 4x स्क्वायर प्लस 3bx। जब आप वैल्यू अप्लाई करोगे तो 4 प्लस 3b। अब अगर हमें वैल्यू भी फाइंड करनी होती, मतलब f1, तो बच्चों f1 आप किससे फाइंड करते हैं, क्योंकि इक्वन कहां लगा है, यहां पर 1 पर इक्वन लगा है इस वाले में, यानी कि आप वैल्यू फाइंड करोगे इससे। तो 5 इंटू 1 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब ये तीनों वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर, यानी कि आपको मिलेगा 1 इक्वल टू 4 प्लस 3b। और बच्चों अगर आप देखें तो ये भी आपके पास 1 है, वो आप पहले से भी लिख चुके हैं, ट्रांसफर करेंगे माइनस 3b इक्वल टू 3b, इट मींस b इक्वल माइनस 1। तो इस टाइप से जो ऑप्शन सही होगा बच्चों, क्या सही होगा, ए ऑप्शन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है उसमें भी क्या है, कंटिन्यूटी की बात हुई, और इसमें देखिए फंक्शन और भी टूटा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ढंग से एक बार लिखते हैं, अगर आपको डिस्प्ले ना हो पा रही हो इमेज क्लियर तो आप यहां पर समझ सकते हैं। x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 बट लेस देन 1, नेक्स्ट में है a व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1 बट लेस देन रूट 2, और यहां पर बच्चों लिखा है 2b स्क्वायर माइनस 4b डिवाइडेड बाई x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन रूट 2 आर इक्वल बट लेस देन। तो बच्चों इसमें हम लोग स्टेप स्किप करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट सुटेबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी व्हेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी। तो बच्चों पहली बात तो हम लोग चेक करेंगे 0 पर, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में, सॉरी, 0 टर्मिनल पॉइंट 0 पर नहीं, किस पर चेक करेंगे, 1 पर। पहला हम चेक करेंगे 1 पर, इस पॉइंट पर। दूसरा हम चेक करेंगे रूट 2 पर, इस पॉइंट पर। तो जब आप 1 पर चेक करेंगे तो आप देखें, एक तो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जब 1 से कम हो तो कौन सी ब्रांच ली जाएगी बच्चों, फर्स्ट ब्रांच। तो इसमें जब आप 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी, 1/a। अब राइट हैंड लिमिट की जब बात आएगी, और देखिए वैल्यू भी आपकी इसी से निकलेगी, तो वैल्यू आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं, और यही आपकी वैल्यू भी होगी, हम लिख देते हैं। बट
ये दोनों ही चीजें आपकी इस ब्रांच से निकलेगी तो कितना आएगा ए, और वन पर कंटिन्यूअस होने के लिए दोनों वैल्यू आपस में बराबर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू वन, इसका मतलब ए की वैल्यू आप ले सकते हैं प्लस माइनस वन, या तो प्लस वन या माइनस वन। अब बच्चों इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, रूट टू। हम लोग किस पर चेक करेंगे, एक्स इक्वल रूट टू, ये चेक हुआ था एक्स इक्वल वन। जब रूट टू चेक करेंगे तो एक तो आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब रूट टू से कुछ कम, और रूट टू से कुछ कम के लिए आप बच्चों किस में रखेंगे, सेकेंड केस में, जो कितना है ए। दूसरी होगी अपने पास राइट हैंड लिमिट, तो बच्चों राइट हैंड लिमिट के लिए आप रूट टू से कुछ ज्यादा, और इसी से आपके पास वैल्यू भी निकल कर आएगी। जब आप इसमें रखेंगे तो आपको मिलेगा टू बी स्क्वायर माइनस फोर बी डिवाइडेड बाई टू, सिंप्लीफाई किया तो बी स्क्वायर माइनस का टू बी, और ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। तो बच्चों यहां पर आप देखें बी स्क्वायर माइनस का टू बी इक्वल ए, अच्छा ए की वैल्यू आपके पास वन प्लस बी है माइनस वन बी, तो हम लोग अब ऑप्शन से चेक करते हैं। ए की वैल्यू वन, अगर आप ए की वैल्यू वन लोगे यहां पर तो बी स्क्वायर माइनस टू बी इक्वल कितना वन, तो ये आपको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस टू बी माइनस वन इक्वल जीरो। आप यहां से b की वैल्यू माइनस वन पुट करके देखें, माइनस वन का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों वन, माइनस टू इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा प्लस टू, थ्री, थ्री माइनस वन जीरो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। या यहां पर हम लोग श्रीधराचार्य यूज करके निकाल भी सकते हैं, बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वन प्लस माइनस रूट टू। तो आप देखें ए की वैल्यू जब वन आएगी तो वैल्यू ये आएगी, ऐसा कोई ऑप्शन है बी में यूज हुआ है बच्चों, माइनस वन वन नहीं, बी में यहां पर टू है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। तो ए की दूसरी वैल्यू बच्चों क्या थी, माइनस वन, जब आपने वो नहीं यहां पर तो बी स्क्वायर माइनस टू बी इक्वल माइनस वन, बी स्क्वायर माइनस टू बी प्लस वन इक्वल जीरो, तो बच्चों यहां से बी की वैल्यू निकल कर आएगी वन। तो आंसर में जो आएगी वैल्यू वो ए की वैल्यू हमने क्या ली माइनस वन, और बी की वैल्यू क्या आई वन, तो ऑप्शन सही होगा बच्चों सी, ए इक्वल माइनस वन एंड बी इक्वल टू वन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है वो अब अपने पास है डिफरेंसबिलिटी पर। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग डिफरेंसबिलिटी की बात करें, इसका मतलब हिंदी में अवकर्णिता, तो बच्चों डिफरेंसबिलिटी में अवकर्णिता में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है देन फंक्शन इज डिफरेंसिबल, मतलब बायां पक्ष अवकल गुणांक इक्वल टू दाया पक्ष अवकल गुणांक, अगर बच्चों ऐसा है तो वो फंक्शन डिफरेंसिबल होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो फंक्शन डिफरेंसिबल नहीं होगा। बट इससे भी जो जरूरी चीज आपको याद रखनी वो हम आप बताते हैं, यानी कि आपको ये चीजें 11 कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी हैं बट उतनी जरूरी नहीं है। अगर आप कुछ तीन पॉइंट आप याद कर लें, वो तीन पॉइंट आपको याद क्या करने, आप वो चीज समझें, उसे आप नोट करें अपने रजिस्टर में। पहला पॉइंट तो ये है कि फंक्शन कहां कहां डिफरेंसिबल नहीं होगा, फंक्शन इज नॉन डिफरेंसिबल, इन थ्री सिचुएशन, थ्री कंडीशंस। पहला तो पॉइंट होगा शार्प पॉइंट, जिसको हिंदी में हम लोग समझ सकते हैं नोक पर, यानी कि जैसे कि कोई फंक्शन अगर ऐसा है
ये एक्स एक्सेज है, ये वाई एक्सेज है। तो बच्चों ये फंक्शन आपके पास इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर क्या बनी? नो बनी। जैसे कि आपके पास y बराबर mod of x अगर होता तो आप जानते हैं y बराबर mod of x का फंक्शन कैसे बनता है? ऐसे बनता है। यानी कि y बराबर mod of x नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0 पर फंक्शन कैसा होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। तो शायद पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे कि फंक्शन कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जहां पर सार पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट होता है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, यानी कि जहां पर फंक्शन टूटता है वहां पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई फंक्शन ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया, और फिर वो मान लीजिए ऐसे, तो जो ये पॉइंट ए और बी हैं इन पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप फाइंड नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट होता है बच्चों टर्मिनल पॉइंट। अब टर्मिनल पॉइंट का मतलब है कि अगर आपने कोई फंक्शन ऐसे बनाया तो ये जो टर्मिनल पॉइंट है इन पॉइंट पर भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। अब ये चीजें कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे तो उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो इससे पहले हम लोग सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन सारे ऊपर लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन में मॉड एक्स का यूज हुआ है और किस पॉइंट पर बात की जा रही है? दो पर। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको फिगर से समझते हैं। तो बच्चों मॉड एक्स का फिगर आपको शायद पता हो कैसा होता है, इस टाइप से। ये पॉइंट जीरो मान लीजिए तो टू पॉइंट यहां होगा। क्या टू पॉइंट पर नोक बन रही है? नहीं। टू पॉइंट टर्मिनल पॉइंट है? नहीं। टू पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है? नहीं। यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और डिफरेंशिएशन कितना आएगा? क्योंकि एक्स इक्वल टू का मतलब है ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब एफ एक्स को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बच्चों? एक्स। और जब आप इसका अपकलन करेंगे तो बच्चों कितना निकल कर आएगा? वन। तो ऑप्शन जो सही होगा वो सही होगा। अब जिनको अगर ग्राफ नहीं पता है तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है d ओवर dx इस फंक्शन का, लेकिन तब जब दो से कुछ कम है। तो ये बताइए यहां x लिखा है मॉड, और ये जो x है वो दो से कुछ कम है, तो मॉड में निगेटिव साइन तो बेटा तब आता है जब मॉड के अंदर वाली वैल्यू क्या हो? निगेटिव बन रही हो। तो आप इसको डायरेक्ट, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा mod of x can be written as x or minus x, ये तब जब जीरो या जीरो से बड़ा होता है, ये तब जब जीरो से छोटा होता है। तो यहां पर अभी वैल्यू जो 2 है वो तो जीरो से बड़ी है, तो हम लोग इसको सिंपल कितना लिख सकते हैं? x। डिफरेंशिएशन आएगा 1। यही चीज जब आप राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए करेंगे तो d ओवर dx mod x। अब देखें यहां पर जो x लेना है वो राइट हैंड के लिए दो से कुछ ज्यादा लेना है, तो बच्चों अभी भी x क्या है? जीरो से बड़ा, यानी कि d ओवर dx ऑफ x, तब भी वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि डेरिवेटिव हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों अपने पास एफ एक्स जो क्वेश्चन है वो लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और फंक्शन जो लिया गया है वो लिया गया है 1। तो बच्चों अगर आपको डिफरेंशिएशन जो पूछा गया वो कहां पर पूछा गया? 1। अब आपको ये चीज पता होगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन एक्स इक्वल 1 पर कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस। कैसे होता है? आपको अगर ग्राफ याद हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनता है, ये 0 है, ये 1 है। कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। ये 0 से बच्चों कहां तक गए? 1 तक। जैसे ही 1 मिलता है तुरंत वैल्यू क्या पहुंच जाती है? 1। 0 पर 0 2, फिर ये ऐसे बनता है, आपके स्टेयर टाइप का ग्राफ बनेगा, ये 3 यहां, ये ऐसे इधर, ये -1। ना पता हो तो आप ग्राफ बना लीजिए, आपको जरूरत है इसकी बनाने की। तो आप देखेंगे फंक्शन 1 पर क्या हो रहा है? डिसकंटिन्यूअस। तो हमने बताया था डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता। कहां कहां नहीं होता है? शार्प पॉइंट,
डिसकंटिन्यूअस पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। तो ये पॉइंट आपके पास है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, यानी कि यहां पर भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो अपने पास होगा ए ऑप्शन, डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 3/2। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 3 का रूट, एक्स की पावर 3 का रूट, या मतलब जानते भी होंगे क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 की पावर हाफ, और हाफ का मतलब होता है रूट। अब बच्चों देखें रूट एक्स की पावर 3, और आप जानते हैं फंक्शन के डोमेन के लिए रूट के अंदर की लिखी हुई वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ी। x क्यूब शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो, इसका मतलब x जो होना चाहिए वो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी कि इसको आप लिखेंगे जीरो से इन्फिनिटी। और बच्चों अगर आप एक मजे की बात देखें, डिफरेंशिएशन आपसे जो पूछा गया था वो f डेस जीरो, यानी कि डिफरेंशिएशन किस पॉइंट पर पूछा गया, x इक्वल जीरो, और हमने आपसे क्या बोला कि टर्मिनल पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, मतलब दिस जीरो पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि जीरो अपने पास यहां क्या है टर्मिनल पॉइंट है, तो इसका भी आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। फंक्शन तीन जगह डिफरेंशिएबल नहीं होगा, टर्मिनल पॉइंट, शार्प पॉइंट और डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू वन वन प्लस साइन एक्स, ये बच्चों वन तब है जब एक्स जीरो से छोटा है, और ये तब है जब एक्स जीरो से बड़ा या बराबर और पाई बाई टू तक है। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछा गया, तो देखिए हम लोग करते हैं। अब जब आपको डेरिवेटिव करना हो ऐसे कभी फंक्शन का, तो आप क्या करिए, जो इंटरवल लिखे आप वो लिखिए, लेकिन अगर कहीं पर इक्वल यूज हुआ है तो आप उसे हटा देंगे। जैसे यहां पर जीरो पर इक्वल यूज हुआ तो हमने उसे हटा दिया। इसका डिफरेंशिएशन जीरो, इसका डिफरेंशिएशन आएगा कॉस एक्स। अब इसने आपसे पूछा है कि एक्स बराबर जीरो पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन के बारे में आपका क्या कहना है, किस पॉइंट को पिक किया इसने, एक्स इक्वल जीरो। तो एक्स इक्वल जीरो पर जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, मतलब जीरो से कुछ कम पर डेरिवेटिव, तो बच्चों आपको कितना मिल रहा है जीरो। और लेकिन जब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे, मतलब जीरो से कुछ ज्यादा पर, तो जीरो से कुछ ज्यादा पर कितना मिल रहा है, कॉस एक्स, यानी कि कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, वन। अब आपने देखा होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव वन, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स इक्वल जीरो पर एडजस्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन सही होगा डज नॉट एडजस्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है आपके पास, फंक्शन आपको दिया है एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी, और एक्स आपको दिया है माइनस वन से कम, यहां पर आपको दिया है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस फोर, और एक्स आपको दिया है माइनस वन या उससे ज्यादा। एवरीवेयर हमने क्या बोला इज कंटिन्यूअस, उसने बोला कि दिस इज कंटिन्यूअस इफ द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, सॉरी। तो जब डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। अगर उसने ऐसा बोल दिया तो बच्चों पहली चीज ये ध्यान रखना है, अगर किसी की लिमिट एडजस्ट होगी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लिमिट सॉरी कंटिन्यूअस हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लिमिट एडजस्ट नहीं होगी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अगर शार्प पॉइंट नहीं है और टर्मिनल नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, और अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट क्वेश्चन ने बोल दिया है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। हम चेक किस पॉइंट पर करेंगे, जहां पर ब्रेक है, और ब्रेक कहां पर है बच्चों, माइनस वन पर। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी लिख भी दे रहे हैं हम आपके, कंटिन्यूटी सततता एट एक्स इक्वल माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप देखेंगे तो बच्चों आपके पास आएगी ए
माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी यानी कि आई ए प्लस बी। राइट हैंड लिमिट जब आप देखेंगे तो राइट हैंड लिमिट का मतलब है इस वाले में b माइनस वन का स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस वन। तो इस टाइप से आपके पास आया b माइनस ए प्लस फोर। बच्चों जब हमने इसको इक्वन किया दोनों को तो आपके पास b से b कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू आ गया 4, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 2। थोड़ा सा अगर ऑप्शन की तरफ नजर दौड़ाएं तो ऑप्शन में a ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें वैल्यू कितनी आ रही, 2 आ रही। तो बच्चों कंटिन्यूटी डिफरेंसबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने से समझ गए होंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को उनसे देखने की रिक्वेस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी टाइप से आप कैलकुलस के फर्दर वीडियो भी आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बच्चों आप अवश्य बताएँ। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।